सप्तम श्रेणी राजनीति विज्ञान बहर द्वितीय अध्याय स्वाधीनता संग्राम और भारतीय संविधान गठन प्रक्रिया 1858 मसीह 1949 मसीह पर्यंत तास वर्तमान आम यार विषय विषय वस्तु सब आलोचना करवा विषय वस्तु कौन रहा कौन कौन पढ़ा ना विभिन्न समय प्रणीत भारत शासन आईन जहाँकि 1858 आरंभ हो 1858 मसीहार भारत शासन आईन आम पढ़ा 1861 मसीह भारतीय परिषद आईन कौन पढ़ा 1892 मसीह शासन संस्कार आईन 1909 मसीह मर्ले मिंटो शासन संस्कार 1919 मसीह भारत शासन आईन 1935 मसीह भारत शासन आईन 1947 मसीह भारत स्वाधीनता आईन संविधान प्रणयन सभा यही विषय सब आलोचना करवा तास आम वर्तमान विषय वस्तु सम्बन्धी सूचना और विश्लेषण को विश्लेषण तास देखने जे विभिन्न समय प्रणीत भारत शासन आईन कौन कौन सबू थी से विषय सब आम जाने देख वाणिज्य करने प्रथम पॉइंट कौन है ना वाणिज्य करने उद्देश्य बिलातर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को आसला तो वाणिज्य करवा सहित से सुजोग पाइबापर से साम्राज्य विस्तार करने को लगे भारतीय मानक शोषण कर भारतर अर्थ से देश को से बहने किए ना बिलातर ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारतीय मानक मनरे इंग्रज मानक विरुद्ध में जो असंतोषर निया जड़ा ता विद्रोहर रूप नाला 1857 मसीह हिंदू मुसलमान मैने सिपाही मैने भारतर स्वाधीनता संग्रामी मानक नेतृत्व में एकत्रित हो इंग्रेज शासन विरुद्ध में विद्रोह घोषणा कले जहाँकि सिपाही विद्रोह नामरे नामित होला। तापर पॉइंट कौन लिख 1857 मसीह सिपाही विद्रोह को भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम भाव अभिहित कराए सिपाही विद्रोह पर 1858 घोषणा नामावल ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ रु क्षमता को हस्तांतरित हो ब्रिटिश राणी हाथ को गला 1858 मसीह भारत शासन आईन को भारतर मग्ना काटा आख्या दि जाए केवे ना 1858 मसीह 1861 मसीह भारतीय परिषद आईन बल भाइस राय एक एम्पोरियल विधान परिषद गठन करागला केबे ना 1861 मसीह 1885 मसीह आलान आक्टाभियान ह्यूम को उद्यम रे भारतीय जातीय कांग्रेस सृष्टि हला। तो भारतीय जातीय कांग्रेस केबे सृष्टि हला 1885 मसीह रे। तापर पॉइंट रे कोन देला 1892 मसीह भारतीय शासन संस्कार 1892 मसीह भारतीय शासन संस्कार आईन बल सर्वोच्च विधान परिषद एवं बॉम्बे और माड्रास परी प्रादेशिक विधान परिषद सभ्य संख्या और क्षमता परिसर वृद्धि करागला केबे ना 1892 मसीह भारत शासन संस्कार आईन बल 1905 मसीह बंग प्रदेश को विभाजन करागला केबे ना 1905 मसीह 1909 मसीह मर्ले मिंटो शासन संस्कार आईन द्वारा प्रथम थर पर मुसलमान मानक निमित्त पृथक निर्वाचन व्यवस्था प्रवर्तन करागला 1919 मसीह मंटेग्यू चिम्सफोर्ड शासन संस्कार आईन द्वारा प्रदेश मानक दैत्य शासन व्यवस्था रखागला दैत्य शासन में संरक्षित अर्थ रिजर्व एवं हस्तांतरित अर्थ ट्रांसपोर्ट क्षमता व्यवस्था रखागला 1935 मसीह ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत शासन आईन प्रणयन कले और ए भारत एक संघराष्ट्र सृष्टि करार व्यवस्था रही 1947 मसीह ब्रिटिश सरकार प्रतिनिधि हिसाब से लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय मानक समस्या समाधान उद्देश्य भारत आसी सुपारिश को ब्रिटिश सरकार अनुमोदन करते 1947 मसीह भारत स्वाधीनता शासन स्वाधीनता आईन बल ब्रिटिश आधिपत्य भारत लोप पाई भारत और पाकिस्तान दुईट अलग राष्ट्र सृष्टि करागला
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା 1946 ମସିହାର ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ବସିଥିଲା। ପ୍ରଣୀତ ସମ୍ବିଧାନ 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରୁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଆସୁଛି। ତ କେତେ ମସିହାରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଆସୁଛି? 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରୁ। ତ ଏହା ଥିଲା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା।